छत्तीसगढ़ के चुनाव का त्रिशंका बना पाएगी क्षेत्रीय पार्टियां। छत्तीसगढ़ फिर से चुनाव के समर में है। बस्तर संभाग की 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट पड़ने हैं। राज्य की स्थापना के बाद से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ का चुनाव दो ध्रुवों के बीच बांटा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच केंद्रित रहने वाली इस लड़ाई में तीसरी ताकतों ने सेंध लगाने की कोशिशों को जरूरी, लेकिन उन्हें उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी। वह पार्टियां इतनी सीटें बटोर ले की सीटों के लिहाज से इस छोटे प्रदेश में वह किंग मेकर बन सके या किसी प्रकार के मोल भाव की स्थितियां में आ जाए। 2003 के पहले विधानसभा चुनावों से लेकर 2018 के विधानसभा चुनावों तक जाति या किसी समाज के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली या क्षेत्रीय पार्टियां सीट पाने के मामले में अब तक कोई बड़ी लकीर नहीं खींच सकी है। ना ही इन पार्टियों का प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के माथे पर कोई राजनीतिक शिकन पड़े, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पार्टियां खेल बिगड़ने की हैसियत नहीं रखती। छोटी छोटी मार्जिन से होने वाली चुनावी जीत हार में इन पार्टियों को मिला वोट कई बार निर्णायक साबित होता रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही है। कैसे चुनौती पेश का पड़ रही है इस बार अजीत जोगी नहीं है। उनके पुरानी राजनीतिक पार्टनर बसपा का गठबंधन किसी और दल के साथ है। अमित जोगी राज्य की कुछ सीटों को छोड़कर करीब करीब सभी पर ताल ठोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी दूसरी बार राज्य में चुनाव लड़ रही है। जाति और समाज की राजनीति करने वाले कुछ नए पुराने खिलाड़ी नए दावों के साथ चुनावी समर में है। आइए समझते है कि क्या ये पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की पारंपरिक सत्ता को चुनौती देते हुए इतने सीटें बटोर सकती है कि यह दोनों राष्ट्रीय दल चुनाव के बाद इनके समर्थन के मोहताज हो जाए। क्या राज्य में किसी भी तरह के त्रिशंक के हालत बन सकते हैं? अजीत जोगी ने जब 2016 में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी, तब इस बात के कयास तेजी से लगने शुरू हुए थे कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ में त्रिशंक के हालत होंगे। 2018 के चुनावों में पहली बार ऐसा लगा था कि राज्य में बीजेपी या कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाएगी। अजीत जोगी के द्वारा बनाई गई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इस बार 84 सीटों पर लड़ रही है। खुद अमित जोगी पाटन सीट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। 2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस बसपा और CPI के गठबंधन को 11% वोट मिले थे। 5 सीटें अजीत जोगी की पार्टी को और 2 सीटें बसपा को मिली थी। इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में अमित जोगी पर बीजेपी की भी टीम होने का आरोप है। टिकट देने में भी उन्होंने 7 साल पुरानी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बजाय बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं को चुना है, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के बागी है। कांशीराम के जमाने से ही राज्य में जड़े जमाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में ताल ठोक रही है। बीते चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी से गठबंधन करने वाली बसपा इन चुनावों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ एलियंस में है। बसपा 58 तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 32 सीटों पर लड़ रही है। बसपा का प्रभाव हमेशा से ही बिलासपुर संभाग में रहा है। प्रदेश में कई ऐसे सीटें हैं जहां बसपा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। राज्य में बसपा ऐसा कोई नेता विकसित नहीं कर पाई जो कुछ सीटों पर अपने प्रभाव को लगातार बनाकर रख पाया हो। जिन सीटों पर दलितों की संख्या कम है उन सीटों पर बसपा का कोई प्रभाव नहीं है। इसी तरह शहरी सीटों में भी बसपा का प्रभाव नहीं है। आम आदमी पार्टी दूसरी बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में टाल टोक रही है। आम आदमी पार्टी बीते 10 वर्ष में राज्य में सक्रिय रही है। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया, 10 पॉइंट का घोषणा पत्र भी जारी किया। आम आदमी पार्टी किसी भी सीट को अपने पक्ष में त्रिकोणी बनाने में सफल नहीं दिख रही है। अपवाद को छोड़ दे तो वह चुनाव के समीकरणों से वह करीब करीब बाहर है।